नमस्कार, मैं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। आज हमारे साथ है रस सिंधु गौर दास महाराज जी के भी महाराज डॉक्टर अच्युत लाल भट्ट जी, तो बात करेंगे इनसे। और आज अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं रिहा कोलकाता के रिहायशी कॉम्प्लेक्स एक्टिव एकर्स में, जहाँ पूरे देश सहित जहाँ पर रथ यात्रा की धूम मची हुई है, तो यहाँ भी कुछ कमी नहीं है। जोर शोर से लोग यहाँ पर भी उत्सव मनाए जा रहे हैं, और खास इसी रथ यात्रा में इस पावन दिन पर गुरु जी यहाँ पर आए हैं खास इसी के लिए। तो आइए बात करते हैं गुरु जी से। नमस्कार, युवा शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से सबके साथ में जुड़ने का मुझे मौका मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी, हमारे दर्शकों को बताएं, आप इस जीवन से कब से जुड़े, मतलब आपकी पूरी पीढ़ी जो है वृंदावन, जैसा हम जानते हैं कि वृंदावन में ही आपकी पूरी पीढ़ी, तो कितने वर्षों से ये मतलब चल रहा है आपके जनरेशन में? श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से, श्री जीव गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी के समय से हैं हम लोग वृंदावन के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल से के साथ में हमारे पूर्वज कहीं दक्षिण से आंध्र से आए थे और वे वृंदावन में रहे। और वृंदावन के श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के, जो षट गोस्वामियों में अपूर्व परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी, जो बड़े प्रसिद्ध वाणीकार रहे, रसिक रहे, उनकी एक परंपरा को वहन करते हुए हम विराजमान हैं। उनकी कृपा से भक्त का प्रचार करने में लगभग 14 पीढ़ियों से हम निरंतर सेवारत हैं। जी गुरु जी, जैसा हम जानते हैं कि आप डॉक्टरेट हैं, तो आपके शिक्षा जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैं कॉलेज में अध्यापक रहा, पीएचडी डॉक्टरेट की डबल एम किया, तो मैंने वो एक जो सामान्य क्रम है वो सामान्य क्रम के अनुसार रहा। परंतु मेरी जो उपलब्धि है वो मूलतः श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जो दिव्य परंपरा, श्री चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य को लेकर के आए, उस मिशन को कहीं आगे फैलाने की मुख्य परंपरा रही, जो अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करने के लिए, माने श्री नुकुंज की अत्यंत रसमयी जो उपासना पद्धति है, उस रसमयी उपासना पद्धति को प्रस्तुत करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु का अवतार हुआ राधा कृष्ण मिलित तनु होकर के। और उसी परम्परा में हम लोग निरंतर विराजमान हैं। और श्रीमद् भागवत हमारे घर का मुख्य उपास्य रहा। मुझे भी एक अवसर मिला कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का और अनेक अन्य स्कंधों का भी मैंने अक्षरशः, जो 3 कॉमेंट्री हैं, श्री श्री स्वामी की भावार्थ दीपिका, श्री जीव गोस्वामी जी की वैष्णव तोषिणी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की सारार्थ दर्शनी, इन टीकाओं का अक्षरशः लाइन टू लाइन अनुवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहुत सारे अन्य ग्रंथ हैं। धन्यवाद। तो गुरुजी, आज यहाँ एक्टिव एकर्स में ये रथ यात्रा का जो भव्य आयोजन किया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, रथ यात्रा का उत्सव एक अत्यंत आनंदमय उत्सव है। रथ यात्रा के विषय में ये एक धारणा है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा और उस समय श्री ब्रजवासी जन भी कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में पधारे, और वहाँ श्री वृषभानंद ने, राशेश्वरी श्री राधारानी उनके साथ में और अन्य सबके साथ में, ब्रजवासियों के साथ में श्री कृष्ण का मिलन हुआ। यह मिलन समृद्धिमान संयोग है, जिसका लक्षण श्री रूप गोस्वामी जी ने दिया कि दुर्लभा लोके और यूनो हो पारतंत्र्याद वियुक्तयो हो संभोगातिरेको यह उच्यते सस समृद्धिमान। अर्थात जहाँ प्यारा दूर प्रदेश चला गया हो और उसके बाद में लौट करके आए, तो उस समय मिलन का जो उल्लास होता है वह उल्लास ही समृद्धिमान संयोग है। और रथ यात्रा का महोत्सव ऐसा ही समृद्धिमान संयोग है, जिसमें कि श्री विश्वानंदिनी, श्री राशेश्वरी राधारानी और जितनी भी गोपिकागण, श्री नंदबाबा, ये सब के सब श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त कर रहे हैं। तो
जहाँ पूर्व राग के पश्चात मिलन की प्राप्ति होती है वह संक्षिप्त है, मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वह संकीर्ण है, प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वह संपन्न है, और दूर प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वह समृद्धिमान है। तो दूर प्रवास के बाद में पुनः जब ब्रजवासियों का मिलन होता है उस समय श्री राधा रानी यही कहती हैं कि वृंदावन की भूमि के बना यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में रास नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हार ये अन्य वेश अन्य संग अन्य देश गोपी जौने कभी नहीं भाए, तुम्हार वाक्य परपाटी तार मध्य कुटनाटी शून्य गोपी की होबे उपाय। तो कुरुक्षेत्र में कहीं रास नहीं हो सकता था, इसलिए श्री राधारानी ने श्याम सुंदर को रथ के ऊपर विराजमान किया, और जैसे कुरुक्षेत्र से जैसे द्वारका से वे वापस वृंदावन लेकर के आई हैं, तो द्वारका परकर वृंदावन के साथ में कहीं मिलकर के हुआ, और धाम में जो निज घर में अपूर्व रस का उल्लास है वो रस का उल्लास हो सकता है। तो रथ यात्रा का उत्सव श्री जगन्नाथ जी उनके प्रसंग में भी यही है कि श्री जगन्नाथ जी जैसे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वह है द्वारका, और गुंडीचा मंदिर वह है वृंदावन, तो आज श्री राधा रानी पधरा करके श्याम सुंदर को ला रही हैं, और वो महा महा जो आनंद उल्लास वह उल्लास उस समय प्रकट हो रहा है। एक आखिरी सवाल, युवा शक्ति के माध्यम से रथ यात्रा का क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? रथ यात्रा एक महान उत्सव है जो कि सब वैष्णवों को कहीं एक साथ जोड़ता है, सर्वोत्तम जीवन का जो लक्ष्य और रसोपासना का जो सर्वोत्तम प्रकार हो सकता है उस प्रकार की ओर हमको उन्मुख करता है। रथ यात्रा का उत्सव ऐसा जिसमें समानता की भावना और वैष्णवों में अपूर्व हम भावना वी फीलिंग उसको जो अद्भुत रूप से उत्पन्न करता है, और उस उपासना में जितने भी वैष्णवगण हैं वे सब मिलते हैं। रथ यात्रा के अवसर पर जिनको सहज में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन सुलभ नहीं हैं उन लोगों को भी रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त होता है, और श्री जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए श्री वृंदावन आगमन के माध्यम से जीव मात्र के ऊपर अपूर्व कृपा करते हैं। तो ठाकुर की कृपा एक सामाजिक सामंजस्य और एकता उसको स्थापित करने का और जीवन के सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ श्री कृष्ण सेवा उसको वो भी रागमयी सेवा श्री वृंदावन की, वो एक बहुत कठिन विषय है, उस रागमयी सेवा को प्रस्तुत करने का यह एक अवसर है कि धाम का सेवन करते हुए श्री धाम के भीतर श्री श्याम सुंदर का श्री किशोरी जी के साथ में और सब गोपियों के साथ में मिलन, तो एक महामहोत्सव का रसकों के लिए यह एक दिव्य अवसर है। तो दर्शकों देखा आपने कि किस तरह से गुरुजी ने हमें रथ यात्रा का महत्व बताया और अपने जीवन में सामंजस्यता और एकता बजाए रखने की अपील की। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।